स्वागत है आपका आईटी सिंपलीफाइड इन हिंदी पर। और कई बार हमें सुनने के लिए मिलता है 12 नैनोमीटर प्रोसेसर के बारे में, 14 नैनोमीटर प्रोसेसर के बारे में, 10 नैनोमीटर प्रोसेसर के बारे में, एक्सेट्रा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये 14 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर या फिर 7 नैनोमीटर भी क्या है ये सब? क्या प्रोसेसर अगर सच में 14 नैनोमीटर का हो जाए तो क्या हम उसे देख भी पाएंगे? तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेसर का साइज तो नहीं है। फिर ये 14 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर वगैरह क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है अगर एक प्रोसेसर के फीचर की बात करें तो? प्रोसेसर के इस फीचर को हम लोग प्रोसेसर का लिथोग्राफी कहते हैं। लिथोग्राफी के मामले में कई सारे मिथ्स हैं जिसे आज मैं तोड़ने वाला हूं। प्रोसेसर बनाने के क्रम में सबसे पहले बनाया जाता है प्रोसेसर का डाई। यहां जो अभी आप इस चित्र में देख रहे हैं वो प्रोसेसर का एक डाई है। प्रोसेसर का ये डाई बालू से बनाया जाता है, जी हाँ, लिटरली बालू से। और इस डाई पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगाने होते हैं। इन ट्रांजिस्टर्स का नंबर बिलियंस में होता है। एक छोटे से डाई पर कई सारे बिलियंस में ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स ही सीपीयू की फंक्शनैलिटी तय करते हैं। डाई पर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसे पैकेजिंग कर दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। प्रोसेसर के डाई को एक पैकेज के भीतर डाल दिया जाता है और फिर तैयार हो जाता है आपका सीपीयू। अब एक दिए हुए प्रोसेसर के डाई पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे उस प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ज्यादा फंक्शनैलिटी। तो इस तरह से किसी भी प्रोसेसर के डाई पर मौजूद ट्रांजिस्टर का साइज जितने छोटे होंगे उस डाई के ऊपर उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आ पाएंगे और उस प्रोसेसर में फंक्शनैलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर ट्रांजिस्टर्स के साइज के छोटे होने से एक फायदा और होता है, वो ये कि ट्रांजिस्टर का साइज अगर छोटा हो जाए तो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और एक ट्रांजिस्टर के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो काफी कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है अगर एक ट्रांजिस्टर छोटा है तो। तो इस तरह से होता यह है कि एक दिए हुए डाई पर आप ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं और एक ट्रांजिस्टर का प्रोड्यूस किया गया हीट काफी कम होता है। तो ओवरऑल डाई पर मौजूद ट्रांजिस्टर्स रिलेटिवली कम हीट जनरेट करते हैं। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि किसी भी प्रोसेसर के डाई पर मौजूद ट्रांजिस्टर्स जितने ही छोटे होंगे और जितने ही ज्यादा होंगे उस प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी उतनी ही बेहतरीन होगी। लेकिन अब बात यह आती है कि लिथोग्राफी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि लिथोग्राफी ट्रांजिस्टर का साइज है, एक ट्रांजिस्टर का साइज। कुछ लोग कहते हैं कि लिथोग्राफी दो ट्रांजिस्टर्स के बीच का स्पेस है, एक दिए हुए डाई पर दो ट्रांजिस्टर्स के बीच का स्पेस है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है। प्रोसेसर का जो लिथोग्राफी है वो एक्चुअली प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन है कि वो कितने छोटे ऑब्जेक्ट पर काम कर सकता है। जो प्रोसेसर बनाने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कितने छोटे ऑब्जेक्ट पर काम कर सकता है, इस बात को किसी प्रोसेसर का लिथोग्राफी कहते हैं। जैसे अगर कोई 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो उसको बनाने वाला जो टेक्नोलॉजी होगा वो 7 नैनोमीटर छोटे ट्रांजिस्टर्स को पिक कर पाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे मेरा हाथ है, वो हाथ किस ऑब्जेक्ट को पिक कर सकता है, किस ऑब्जेक्ट को पकड़ के उठा सकता है, इसका एक मिनिमम साइज लिमिट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज उस साइज लिमिट से छोटा हो जाए तो आप उसे अपने हाथ से पकड़ के उठा नहीं सकते। तो वो जो साइज लिमिट है जिससे छोटे ऑब्जेक्ट को आप अपने हाथ से पकड़कर नहीं उठा सकते वही आपके हाथ का लिथोग्राफी है। तो अब बात ऐसा है कि अगर हम कहें कि किसी प्रोसेसर को किसी ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिस टेक्नोलॉजी में मिनिमम 12 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को पिक किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से बने प्रोसेसर का लिथोग्राफी 12 नैनोमीटर है। यहां इस चित्र में आप इंटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिथोग्राफी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा जाता है कि लिथोग्राफी रिफर्स टू द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए इस बात पर, लिथोग्राफी रिफर्स टू द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, नॉट द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर। So, lithography refers to the semiconductor technology used to manufacture an integrated circuit and is reported in nanometer, indicative of the size of the features built on the semiconductor. ये Intel के official website का screenshot है। तो अब बात ऐसा है कि अगर lithography processor manufacturing technology का precision है तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें processor के बारे में क्या पता चलता है लिथोग्राफी को जान करके? अगर आप ध्यान से देखिए तो लिथोग्राफी यानी कि प्रिसीजन जिस पर कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी काम कर रहा है और ट्रांजिस्टर का साइज इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, वही चीज नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। अगर प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 12 नैनोमीटर के प्रिसीजन पर काम करता है
तो क्या वो 12 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को नहीं उठा सकता? हाँ, वो 7 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को नहीं उठा सकता, लेकिन वो 12 नैनोमीटर तक के ट्रांजिस्टर को तो उठा सकता है, 14 को भी उठा सकता है, 22 को भी उठा सकता है, तो 12 को भी उठा सकता है। तो इस तरह से प्रिसीजन को देख करके हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के साइज के ट्रांजिस्टर को प्रोसेसर के डाई पर यूज किया गया होगा। तो जो लिथोग्राफी है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है ट्रांजिस्टर के साइज का ही, लेकिन हाँ, किसी भी डाई पर हर ट्रांजिस्टर का साइज इक्वल नहीं होता। इसलिए लिथोग्राफी का मतलब ये है कि मिनिमम कितना छोटा ट्रांजिस्टर आपके डाई पर मौजूद हो सकता है अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके प्रोसेसर को बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोसेसर के लिथोग्राफी के बारे में आप समझ गए होंगे और अब आपको इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंपलीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।